कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं। आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। एसटीटी अभ्यर्थियों के द्वारा राजधानी पटना के इको पार्क के पास जमकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस के द्वारा लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा था कि यह आंदोलन का जगह नहीं है। ऐसे में जितने भी एसटीटी अभ्यर्थी थे वो पुलिस की बात नहीं माने, जिसके बाद पटना पुलिस ने एसटीटी अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भी बरसाई। ऐसे में जितने भी एसटीटी अभ्यर्थी थे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास मिलने भी पहुंचे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद आज हमने बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर सभी एसटीटी अभ्यर्थियों से अपील की है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, पहले आप वो सुने। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में, जहां भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे, तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, अन्ना हो सकती है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। उनका कहना है कि जो लोग भी एसटीटी अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा कराई जाएगी और उन्होंने साफ तौर पे एसटीटी अभ्यर्थियों से यह भी आग्रह किया है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी अफवाहों पे ध्यान दे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।